अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का लेक्चर, और सेकेंड ईयर के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंटिन्यू है। और आज भी एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम कवर करेंगे और वो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स या पीओ बॉक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स यानी कि पीओ बॉक्स का काम क्या है, हम उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, पीओ बॉक्स का काम है टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। उसका असल में काम है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना, ठीक है ना। लेकिन आजकल जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये BDCL वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन वाले जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अपनी लाइंस में कोई भी अगर रेजिस्टेंस कहीं पर हो यानी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको फाइंड करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ये स्टार्ट में यूज़ होता था फॉर टेलीग्राम वगैरह, ठीक है, जिस ज़माने में टेलीग्राम वगैरह होते थे तो पोस्ट ऑफिस ही उसे कंट्रोल करता था, तो ये बॉक्स की फॉर्म में होता है और पोस्ट ऑफिस में पाया जाता था। इस वजह से इसको नाम दिया गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जिसे हम कहते हैं पीओ बॉक्स। तो इसके नेम की ओरिजिन तो यही है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होता था, इस वजह से इसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स यानी कि पीओ बॉक्स कहा जाता है। काम क्या है पोस्ट ऑफिस बॉक्स का? काम है टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, जैसा कि इससे पहले हमने मीटर ब्रिज में भी स्टडी करा, मीटर ब्रिज का भी काम था और इसका भी यही काम है, ठीक है ना। और एक्चुअली ये है क्या, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है जिसमें तीन आर्म्स लगे होते हैं, ठीक है ना। तीन इसमें आर्म्स टाइप रेजिस्टेंस मौजूद होती है, वाइल द फोर्थ आर्म, जो चौथा आर्म है, वो बन जाता है अननोन रेजिस्टेंस की मदद से, ठीक है ना। ये हमें पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर चार रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, तो तीन आर्म्स तो ऑलरेडी इसमें होते हैं और चौथा आर्म वो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं जो कि अननोन है, जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और याद रखना है ये स्पेशल टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, यानी कि कोई नया प्रिंसिपल नहीं है, ये एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। और इस्तेमाल इस वजह से होता है क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट वगैरह इसको इस्तेमाल किया करते थे फॉर टेलीग्राफ, ठीक है। तो आमतौर पर जो स्ट्रक्चर होगा ना कुछ इसी किस्म का होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक आर्म नजर आ रहा है, ठीक ना, ये आर्म्स आ गए, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। एक हमने क्या हुआ है यहाँ पे पी, एक आर्म को कहा हुआ है क्यू, और फिर एक कहा हुआ है हमने आर के बराबर। ये पूरा आर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा पूरा आर्म जो है वो आर के बराबर हो गया, और एक अननोन रेजिस्टेंस है जो हम लगाते हैं और वो बराबर है एस के, ठीक है ना। तो अगर नजर आएगा तो बिल्कुल आपको ये शेप जो नजर आती है ना, वो नजर आती है रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह। रेजिस्टेंस बॉक्स देखा होगा ना, जिसके अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस होती है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल उसी फॉर्म में होता है, यहाँ से ऐसे, फिर ये यहाँ से कंटिन्यू जा रहा होता है, यहाँ से फिर घूम के इस तरफ आता है और फिर घूम के इस तरफ आता है, ठीक है, इस तरीके का है। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस कॉइल, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कॉइल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इस टर्मिनल के दरमियान में, फॉर एग्जांपल इस टर्मिनल के दरमियान में, इस टर्मिनल के दरमियान में कॉइल्स लगे होते हैं, और ये जो कॉइल्स लगे होते हैं इन सक्सेशन एंड फॉर्म थ्री आर्म्स, तीन आर्म्स बन जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के। और जो एक्सपेरिमेंटल अननोन रेजिस्टेंस है एस, वो चौथा आर्म होता है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो गैप्स होते हैं ना, इन गैप्स के अंदर मुख्तलिफ रेजिस्टेंस लगी होती है, ठीक है ना, फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस लगी होती है। अच्छा, तो थ्री सेक्शन है कॉइल के वेरिंग मैग्नीट्यूड, जो कि प्लग्स के जरिए कनेक्टेड होते हैं, मार्क्स एस ए सी। सबसे पहला कनेक्ट हुआ हुआ है ए से लेके सी तक का, ठीक है। उसके बाद है सी से लेके डी तक का, यानी कि सी से लेके ये आ गया पॉइंट डी तक का, और फिर ए से लेके ई तक का, मतलब यहां से लेकर और ई तक का चला जाएगा, ठीक है ना। ये इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और यहां पर आके जो पॉइंट ई आ रहा है ना, यहां तक हमारा तीसरा आर्म है ये, ठीक है ना। और वो कॉन्स्टिट्यूट रिस्पेक्टिवली द थ्री आर्म्स, पी क्यू आर बन जाता है। तो मैंने बताया ए से लेके सी तक पी कहलाता है, सी से लेके डी तक क्यू कहलाता है, और फिर ए से लेके पूरा ई तक ये कहलाता है बराबर आर के। व्हीटस्टोन ब्रिज के तीनों आर्म्स हो जाते हैं कंप्लीट। द आर्म्स पी एंड क्यू आर रेशो आर्म्स, ठीक है ना, वो रेशो आर्म्स होते हैं पी और क्यू। ईच ऑफ इट कंटेन्स थ्री रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस होती हैं, 10 होती है, 100 होती है और 1000 होती है, ठीक है ना। 10 ओम की होती है रेजिस्टेंस, 100 ओम्स की होती है, 1000 ओम्स की होती है। इस तरीके से यहाँ पे भी 10 ओम्स होती है, 100 ओम्स होती है और 1000 ओम्स होती है, ठीक है ना। और बिल्कुल उसी तरीके से होता है ये रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह, कि आप यहाँ पे की लगी हुई होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ की निकालोगे तो ये जो 1000 ओम की रेजिस्टेंस है ना, वो सर्किट में शामिल हो जाएगी। अगर 100 वाली की निकालोगे तो 100 वाली सर्किट में शामिल हो जाएगी। बिल्कुल रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह का होता है। जो थर्ड आर्म है ना आर, जो कि अच्छा खासा लंबा आर्म है, वो नॉर्मली कंसिस्ट करता है रेजिस्टेंस फ्रॉम 1 ओम टू 5000 ओम्स, और ये सब सीरीज में होती है, ठीक है ना। यहां से 1 ओम, 2 ओम, फिर ये 5, 10, 20, इस तरीके से होते होते
तकरीबन 5000 ओम्स तक की रेजिस्टेंस होती है, और ये सब की सब सीरीज में होती है जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक इन्फिनिटी वाली लाजमी की होती है, यहाँ पर INF जो लिखा हुआ है ये इन्फिनिटी है। When the plug of any coil is taken out, वही बात है कि अगर प्लग किसी भी कॉइल का निकाल लिया जाएगा तो वो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर इंक्लूड हो जाती है। 1000 का निकाला तो 1000 आ गई, और 500 का निकाला तो 500 आ गई। एंड अननोन रेजिस्टेंस एस इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट डी एंड ई। अच्छा, ये जो पॉइंट डी है ना, बिल्कुल स्टार्ट वाला, यहाँ वाला जहाँ पे क्यू एंड हो रहा है वहां से, और फिर ये जो जहां पर पॉइंट एंड हो रहा था ई वाला, यहाँ पे हम वो रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो कि अननोन है, जो कि एक्चुअली हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ये चौथा आर्म बन जाता है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का। अच्छा, एक बैटरी भी होती है बी, विच इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। पॉइंट ए और डी के दरमियान में एक बैटरी भी लगा देते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, ये आ गई एक बैटरी यहाँ से लेकर, ठीक है ना, और हमने पॉइंट ए तक लगा दी, ठीक है ना। और बाकी फिर हमें एक की भी चाहिए ऑन ऑफ करने के लिए, मेन की आ गई यहाँ पर, ठीक है। थ्रू आर टेपिंग की की वन एंड अ गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट सी एंड ई, और सी और ई के दरमियान में, सी और ई के दरमियान में एक गैल्वानोमीटर लगा होता है ये, विद द हेल्प ऑफ अ टेपिंग की, ठीक है ना। एक टेपिंग की होती है, टैप कर सकते हैं उसको, तो टैपिंग की कहलाती है। तो इस वजह से ये आ गया यहाँ से, सी से लेकर टैपिंग की मदद से गैल्वानोमीटर पॉइंट ई से जुड़ा हुआ है। और बाकी ये देखो गौर से, ये डी पॉइंट से एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बी बैटरी जो कि की भी आ रही है मेन, और फिर एक टैपिंग की मदद से, यानी कि की वन की मदद से वो इंटरनली जुड़ा हुआ है पॉइंट ए से, ठीक है ना। तो ये टैपिंग की जो है वो की वन है, और दूसरी जो है वो की टू है। द लोअर पोर्शन ऑफ द की के वन एंड द पॉइंट ए इज कनेक्टेड इंटरनली। वही जो डॉटेड है ना, ये बात याद रखो, बाहर से सर्किट नजर नहीं आता बल्कि इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। ये भी इंटरनली कनेक्टेड है और ये भी इंटरनली कनेक्टेड है। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आ गया एक रेजिस्टेंस पी, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस पी आ गई। अब ये पी देखो जुड़ी हुई किससे, ये पी जुड़ी हुई है क्यू के साथ। ये जो आर्म आ गया, ये आ गया क्यू। तो यहाँ से जो ये एक आर्म लगा हुआ है, ये बराबर है क्यू के, ठीक ना, ये वाला आर्म आ गया बराबर क्यू के। अब गौर से देखो, जो क्यू का आर्म है फिर वो जुड़ा हुआ है एस से, ठीक है ना, ये आ गया एस। ये अभी पहले मैं सिर्फ रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, ये आ गया, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये बराबर है एस के। और फिर देखो कि जो एस का दूसरा हिस्सा है वो किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब हमें एक और रेजिस्टेंस जो चाहिए, तो ये जो एस का दूसरा हिस्सा है ये जुड़ा हुआ है हमारे पास आर से, ठीक है ना। तो अब ये जो रेजिस्टेंस आ गई आर पूरी की पूरी, तो इधर एक रेजिस्टेंस आ जाएगी और ये वाली रेजिस्टेंस हो जाएगी आर, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि यहाँ पे चार रेजिस्टेंस तो आ गई, तो बन तो सकता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन शर्त क्या थी, कोई से दो एंड्स में लगी होनी चाहिए बैटरी। तो देखो बैटरी कहाँ से लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है क्यू के एक सिरे से लेकर, और फिर वो कहाँ से जुड़ी हुई है, ये यहाँ से घूम फिर के ए से जुड़ी हुई है, यानी कि पी और क्यू के सिरे से, यानी कि यहाँ से क्यू का एक सिरा और ये जो पी का एक सिरा है ना, यहाँ से लगी हुई है एक बैटरी, ये आ गई वो बैटरी जो लगी हुई है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये बैटरी लगी हुई है, और फिर बाकी जो दो एंड्स है ना पी और क्यू के दरमियान और आर और एस के दरमियान, वहाँ पे आना चाहिए गैल्वानोमीटर। तो देख लो, पी और क्यू के दरमियान, यानी कि ये सी जो है यहाँ से लगा हुआ है गैल्वानोमीटर, और वो गैल्वानोमीटर कहाँ जाके जुड़ रहा है, एस के एक कोने से, ठीक है ना, एस और आर का कोना जहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे लगा हुआ है एक गैल्वानोमीटर। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये गैल्वानोमीटर लगाने के बाद बन गया है एक व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई, अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस लगा के पोस्ट ऑफिस बॉक्स के अंदर अगर हम करंट पास कराएं और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो शो करे, तो वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो कंफर्म बात है कि पी अपॉन क्यू बराबर होगा आर अपॉन एस के, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वहां पे जाके देख सकते हो लेक्चर के अंदर, ठीक है। लेक्चर देखना पड़ेगा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का, और अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मीटर ब्रिज का भी आप देख सकते हो लेक्चर, ठीक है। क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए एस की, जो अननोन रेजिस्टेंस है, तो एस को अलग करेंगे। एस को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आर इधर एस को अलग कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल करेंगे सबसे पहले। तो ये क्यू अपॉन पी हो जाएगा, एस ऊपर चला जाएगा आर नीचे, या फिर इस तरीके से कर लो कि एस की वैल्यू को अलग करना है तो एस को हम इधर ले गए, ठीक है ना। क्यू डिवाइड से आएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि ऊपर, और फिर पी मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है जी। आर हमें पता है, हमने खुद अरेंज किया होगा, यहाँ से कोई ना कोई रेजिस्टेंस निकाली होगी, और क्यू और पी भी हमने ही अरेंज किया था की निकालने के बाद।
तो जैसे ही हम वैल्यू चेक करेंगे, किलोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो दी, वैल्यूज पुट करके हमारे पास एस का आंसर आएगा, और एस ही वो अननोन रेजिस्टेंस है जो कि हम मालूम करना चाह रहे थे विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स। दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पीओ बॉक्स और पोस्ट ऑफिस बॉक्स की मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस। और कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो लिखिए कॉमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।